वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। ये देखो मैंने कागज की नाव बनाया हूँ। माशाल्लाह। देखिए मैंने कहा था मैं इसे एक दिन में सीख जाऊंगा बनाना। अब्बा मुझे खेलना है। अच्छा जाओ खेल लो। लेकिन अब्बा मुझे टेबल के बाजू में खेलना है। वहाँ क्यों अब्दुल बारी, वहाँ सब सामान रखा है, वहाँ खेलने से सारे सामान यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। मैं संभाल कर खेलता हूँ अब्बा। कोई जरूरत नहीं है अब्दुल बारी, तुम हमेशा खेल लेते हो और बाद में मुझे सब ठीक करके रखना होता है। अब्बा आप मुझे हमेशा कहीं भी खेलने नहीं देते। अब्दुल बारी मैं तुम्हें घर में सिर्फ आउटडोर गेम खेलने मना करती हूँ। अब्बा उस दिन अब्दुल बारी भौरा घुमाने लगा और भौरा जाकर किचन में रखे सामान पर गिरा। ठीक है बच्चों, आपस में झगड़ते नहीं और अब्दुल बारी इस तरह घर में नहीं खेलते। भौरा किसी पर गिर भी सकता है, इससे घर में किसी को चोट आ सकती है। आपा तो मेरी हमेशा कंप्लेन ही देते हैं, मैं घर में नहीं खेलता। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और अंशरा तुम्हारी कंप्लेन नहीं देते बल्कि तुम्हारे अच्छे के लिए कहती है। वह आखिर तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है। जी अब्बा, अब मैं थोड़ी देर खेल लूं। मैं आपके टेबल से दूर खेलूंगा। ठीक है अब्दुल बारी, जाकर खेलो, लेकिन याद रहे उस तरफ नहीं जाना। जी अब्बा, बस मैं उसी वक्त जाऊंगा जब मेरा खिलौना वहाँ चला जाए। नहीं अब्दुल बारी, बेहतर है तुम बाहर जाकर खेलो या फिर यही बैठकर इंडोर गेम खेलो। आपा मैं वही खेलूंगा। लेकिन ध्यान से अब्दुल बारी। ठीक है आपा। अब्बा आपके लिए पानी ले आऊं? नहीं अंशरा, जज़ाकअल्लाह खैर। बस एक काम करो, अपनी अम्मी से पूछो कि क्या हुआ अब्दुल बारी, तुम ठीक तो हो? सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा हिलो नहीं, कांच फैल गई है। बेटा बिल्कुल हिलो नहीं, पैरों में लग जाएगी कांच। अंशरा जाओ जाकर झाड़ू ले आओ। जी अब्बा। अब्दुल बारी ये कैसे गिरा? अब्बा वो मैं खेलने ही वाला था लेकिन मैंने बॉल को गलती से इस तरफ फेंक दिया और ये गिर गया। अब्बा मुझे हाथ में लग भी गया। ठीक है कोई बात नहीं, रोते नहीं। अरे अरे बहादुर बच्चे रोते नहीं। ये लीजिए अब्बा। हाँ बेटा जज़ाकअल्लाह खैर। तुम बिल्कुल भी हिलो नहीं अपनी जगह से, मैं तुम्हें उठाता हूँ। आओ ये यहाँ बैठो। अंशरा जाओ जाकर कांच के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दो। जी अब्बा। दिखाओ कहाँ लगी है चोट। ओहो खरोच आई है, मैं मरहम लगा देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। हाँ हाँ कोई बात नहीं अब्दुल बारी, हमें कांच की फिक्र नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र है। आखिर तुम्हें चोट लग गया ना, इसीलिए हमेशा कहती हूँ मैं कि अपने अम्मी अब्बा की बातों को सुना करो और वैसा ही किया करो जैसा अम्मी अब्बा कहते हैं। हाँ लेकिन मैं तो हमेशा सुनता ही हूँ ना अब्बा। हाँ अब्दुल बारी, लेकिन तुमने आज जिद किए और कहना नहीं माने, इसके नतीजे में नुकसान हो गया ना। इसीलिए अपने बड़ों का कहा मानो और जब कभी अम्मी या अब्बा कुछ कहे तो जिद ना किया करो। जी अब्बा, मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा से हमेशा अम्मी और अब्बा की बातों को सुना करूँगा और जिद नहीं करूँगा। हमें अम्मी अब्बा की बात माननी ही चाहिए क्योंकि माँ बाप की इज्जत करना, उनका एहतराम करना और उनकी बातों को सुनना ये अल्लाह हमें हुक्म देते हैं। अल्लाह हुक्म देते हैं? तब तो मैं हमेशा अम्मी और अब्बा की बात मानूंगा और जिद नहीं करूंगा। शाबाश माशाल्लाह अब्दुल बारी, अब संभाल कर खेलो और यहाँ नहीं। जी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फिक्रमंद वालिदैन, इस एपिसोड में हमने देखा कि माँ बाप की जो है फरमाबरदारी, उनकी जो बातों को मानना, ये सभी बच्चे जो है अपने माँ बाप की बातों को माने क्योंकि हमसे अच्छा जानते हैं और हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। तो जब भी हमसे कुछ कहे तो हम उनकी बातों को माने, इसका हुक्म से अल्लाह ताला ने जगह जगह पर जो कुरान में दिया है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करें, अपने माँ बाप का जो कहा माने, है ना। और इसमें बहुत सारी हदीसें भी मिलती हैं। तो ये जो एक सब्जेक्ट है माँ बाप की बातों को माना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये जो हम सब बड़ों के लिए भी है। हम बड़े भी जो है इस बात को जहन में रखें, जिनके वालिदैन जिंदा है वो उस उम्र में जा चुके हैं जबकि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी खिदमत करना, उनकी बातों को मानना और उनकी बातों को सराखों पर रखना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना, अच्छे से पेश आना। तो इंशाल्लाह दुआ है और जो है सभी से जो उम्मीद है कि हम जो है अपने माँ बाप की जो बातों को मानेंगे, वो जब भी हमसे कुछ कहे उसको जो हम अपनी सराखों पर रखेंगे, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, कोशिश के उन्हें हमेशा खुश रखेंगे इंशाल्लाह। कि हमारी किसी जात से, हमारे कोई अमल से, हमारी कोई हरकत से जो उनको परेशानी ना हो, उनको जो है दुख ना हो, उनको जो तकलीफ़ ना हो। दोस्तों इस बात को ख्याल रखें हमेशा, ये जो एक जन्नत जाने का जो एक बड़ा
ज़रिया बन सकता है अगर हमने अपने माँ बाप को वालिदैन को खुश रखा। उम्मीद है इंशाल्लाह इस बात पे हम जो अमल बरपा होंगे। जल्दी लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक जो है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है ये जो है बेल का जो आइकन है उसे दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जो आते रहे नए अपडेट्स के, नए वीडियोज़ के। इंशाल्लाह जल्दी लौटेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।